अगला स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजीज, इनका 500 शेयर है 180 के भाव पर। जी देखिए, ये तो ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है, डेटा जो भी 15-16 से इसमें है, लिमिटेड डेटा है, बट आई थिंक क्लियरली जो करंट डेटा में सेटअप दिख रहे हैं उसमें फिलहाल तो रुझान पॉजिटिव ही लग रहा है, तो यहाँ पे भी राय यही रहेगी कि ट्रेंड में बने रहे हैं। थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है तो थोड़ा इनको थोड़ा मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा स्टॉप में, और आई थिंक स्टॉप थोड़ा दूर आ रहा है, बट फिलहाल वही आ रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ रहा है 525 के आसपास, तो आई थिंक फिलहाल 520-525 के स्तर पर ध्यान रखें, फिलहाल तो इतनी जी, जल्दी उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बट वहां ध्यान रखें और वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। 525 के स्टॉप लॉस के साथ इस पे बने रहिए मुनिक मुकेश जी। दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं आपके जो लेवल पे आपने पकड़े हैं। श्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं बोकारो से। श्याम बताइए क्या सवाल है आपका। जी मेरा हाल का हिंदुस्तान एरोनॉटिक का 15 शेयर है, 3.6-3.5-3.45 में मेरा खरीदारी है, एवरेज बाइंग प्राइस है, तो उसको अभी हम 4 महीना का मेरा पर्सपेक्टिव है, 4 महीना के अंदर में हम उसको ये करना है, अभी क्या होल्ड करें कि ना इस पोजीशन में उसको सेल कर दें, क्या रहेगा मेरे स्ट्रेटजी। सरवीन जी, 4 महीने रखना है सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 3645 पे खरीदा इन्होंने। श्याम जी की तो आवाज मेरे को बिल्कुल नहीं आई, तो HAL मेरे हिसाब से आई थिंक शॉर्ट टर्म ही व्यू दूंगा यहाँ पे 15 से 20 वर्किंग डेज के लिए, आई थिंक ट्रेड में बने रहे, कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस बना के रखें, आज कॉस्ट से 20 रुपए ऊपर, अगर मैं इनका भाव बराबर सुना है तो कॉस्ट से 20 रुपए ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें ट्रेलिंग, और मेरे हिसाब से फिलहाल बने रहे ट्रेड में एक 15 दिन के लिए। ठीक है, 3665 का स्टॉप लॉस रख के बने रहिए 15-20 वर्किंग डेज में, और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा राय लेंगे, लेकिन अगर उससे नीचे जाता है इस दौरान में तो आपको निकल जाना चाहिए आपकी कॉस्ट के ऊपर से। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।